तो गाइस फाइनली हम लोग ने ले लिए है। चमक रहा क्या है कान में? अंकल कुछ चेंजेस लग रहे क्या मेरे फेस पे? चेंजेस गोल्डन गोल्डन देखे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो हम लोग उतर गए हैं नीचे। सो मम्मी और मैं अभी जा रहे हैं आज ऑफिस से कुछ काम से जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोली थी कि मेरे इयर रिंग्स टूट गए हैं, तो वो इयर रिंग को एक्सचेंज करा के थोड़ा पैसा डाल के दूसरी इयर रिंग्स लेने का है, तो वो लेने हम लोग जा रहे हैं जवेरी बाज़ार। सो यहाँ पर हमारे एरिया में उधर ही अच्छा गोल्ड मिलता है, और वो एक ही दुकान है जो हम लोग को पसंद है, हम लोग वहाँ से ही लेते। तो मम्मी ने वो टाइम पे किधर और से लिए थे, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं था ना, तो टूट गया था उसका सोना। तो इसके लिए भी हम लोग जहाँ से लेते हैं उसके पास जा रहे हैं, तो वहाँ से ले लेंगे गोल्ड। फिर देखते हैं, नवी शुरुआत करते हैं गोल्ड से। अच्छा हाँ मोहरा में, लेकिन अपने पास तो था, वो एक्सचेंज करके ले रहे ना, और थोड़ा मिला रहे ना अंदर पैसा। अच्छा चलो कोई नहीं, मोहरा में कोई दूसरी चीज़ ले लेगी। सो चलो जाते हैं, फिर मिलते डायरेक्ट आप लोग का आगे। तो गाइस फाइनली हम लोग ने लिए है पानी, या मम्मी यहाँ पर से ही पिना दी, बोले यहाँ से ही पहन के चलो। निकालू नहीं ना इसको, दुख रहा है, मैंने ले ली छोटी। सो फाइनली मैंने ले ली हूँ गोल्ड, और मेरे कान पे कितने अच्छे लग रहे हैं। पूरा लुक चेंज हो जाता है ये पहनने के बाद। अब बस ये की अरमान है मेरे कि मैं बंगड़ी बना लूँ बहुत जल्द। पहनने का नहीं, रख देने का सुनी का नहीं, मैं एकदम ब्रेसलेट टाइप बनाऊंगी जो रेगुलर पहन सके। तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी बनाऊंगी, जमा तो हो रहे पैसे उसके लिए भी है ना मम्मी। मम्मी दिलाएगी, तुम्हारे पास है, याद है कि नहीं है? अभी क्या बात ना, है कोई शरबत नहीं है, मेरे पैसे ले लिए इनने। इंशाल्लाह मैं खुद ही बनाऊंगी, दानिश देगी पैसा तो बना बना के रखूंगी, फिर पहन पहन के घूमूंगी। अभी तो बच्चा आएगा, तो बच्चे के नहीं मिलेंगे ना मम्मी? हाँ बच्चे के, बच्चे में लाभ खाइए, लाभ मिलेगी बच्चे का। हाँ बच्चे में गिफ्ट कर देना उसको, मैं पहन लूंगी। चलो मेरे को कुरान शरीफ लेने का, हमें वो ले, बारिश भी आ रही है यार। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर पर। सो मैंने कुरान शरीफ ले ली। सो मेरे को कुरान शरीफ तो ऐसे मम्मी ने शादी में दिए थे, बट वो कुरान शरीफ पढ़ने में नहीं आ रहा था मेरा, क्योंकि उसके हुरूफ बहुत छोटे छोटे और पूरा एक साथ 30 पारे का है वो। सो मम्मी की माँ की आदत थी मेरे को कि सिंगल सिंगल पारे पढ़ने का रहता है, तो इसके लिए फिर अभी मैंने जाके खरीदी, क्योंकि मुझे पढ़ना है अभी तो इसलिए। तो अभी मैंने सिंगल सिंगल पारे का खरीद के लेके आ गए। देखो पीछे ही पेटी पड़ी है, और आप लोग के कमेंट्स भी आए थे कि सूरह यूसुफ और सूरह मरियम पढ़ो प्रेगनेंसी के लिए, सो वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी मैं अभी पढ़ना। सना दीदी मेरे को कब से बोलते थे पढ़ पढ़ पढ़, तभी उनको ही फ़ोन लगा के मैंने पूछी कहाँ पर है किधर है, सो भी निकाली वो, क्योंकि मेरे को तकलीफें बहुत हो रही है। और मैंने बहुत सी प्रेगनेंसी ऐसी देखी कि 8वें महीने की एंड में ही ख़त्म हो गया, और मतलब वो लोग का ऑपरेशन हो जा रही है, तो मेरे को बहुत डर बैठ गया वो सब चीज़ों का कि मेरे साथ अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि मुझे डर है। सो मेरे को पहले माशाल्लाह बहुत आदत थी रमज़ान में, मैं माशाल्लाह 3-4 कुरान शरीफ ख़त्म करती थी। सो अभी मैं पढ़े नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी तबीयत ही ऐसी डाउन चलती थी, मतलब टाइमिंग मेरा कुछ सूट ही नहीं रहता था, उठती कब थी, सोती कब थी, खाती कब थी, उल्टी करती थी, क्या क्या करती थी। सो अभी माशाल्लाह अभी थोड़ी अच्छी लग रही है, मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम में होती है, जैसे आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखे ही होंगे मेरी, इसी भी प्यास की वजह से कैसी हालत हुई, डाउन हो गई थी, पूरा दिन खराब हो गया था। सो इंशाल्लाह दुआ करो बस हो जाए सही सलामत, नमाज वो सभी पढ़ना बाकी, अभी सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह से रेगुलरली, और दुआ करो मेरी प्रेगनेंसी भी अच्छे से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो, पूरा 9वां महीना ख़त्म हो और फिर होवे, क्योंकि वो मंथ मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि वो मंथ बताऊँगी बाद में, अभी तो नहीं बताऊँगी बट बाद में बताऊँगी। सो अभी दानिश को, दानिश वाले लोग अब्बा आ गए शायद से, सो लोगों को दिखाने का है कि मैंने क्या लेके आई हूँ, फिर बताती हूँ तुमको। मैं बुला रही हूँ, इधर आओ सीट यार, एंड आई विल बाइट यू, बीट यू, सॉरी। आओ इधर यार, तुम लोग से एक क्वेश्चन करना है। क्यों? मम्मी बोले खा के मोटे हो तुम लोग, तो मैं तुम दोनों से कुछ क्वेश्चन, इधर आओ अब्बा, इधर बैठो तुम लोग को मारने का। तो मैं तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम लोग को मेरे पे कुछ चेंजेस लग रहे कि नहीं लग रहे? तू पहले से माशाल्लाह ज्यादा खूबसूरत हो गई है। नहीं तुम तो शाने हो। अब्बा मैंने कुछ लेके आई हूँ। कम उम्र की भी हो गई है तुम। नहीं ऐसा, ये तारीफ नहीं बोली यार, चेंजेस में ये तो दिखा मेरे को। देखिए अल्लाह मम्मी अब्बा को मालूम ही नहीं
कैसे हस्बैंड को पता है, बाप को नहीं पता है अब्बा यार। हमारे नहीं क्या गो, मेरे पैसे छुट्टी चाची है वो सब पंचायत करती है ना, कुछ नहीं देखता। मैं अपना आया, काम किया, अपना चला गया, मेकअप किए, चमक रहा क्या है कान में, ठीक है। मेरे बाप ने बता दिया, तुमने नहीं बताया, हाँ तो मैंने यार लेके आई। मैंने बोल दी तुमने इयररिंग दिए थे ना जो टूट गई थी ना, और मेरे मेहर के पैसे बचे थे ना, तो उसको मिला के ले ली मैंने। ये अभी भी बचे वो मुहर्रम में, मम्मी ने बोले सोना खरीदना चाहिए, तो वो मुहर्रम में मैं आधा पैसा बचा, आधा मुहर्रम में लूंगी और आधा इनसे लूंगी। सोना कम और सोना ज्यादा लो, सोना ज्यादा लो, तुम तरक्की करोगे। हाँ अभी इंशाल्लाह बंगड़ी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ मैं। मम्मी को बोली तुम दिलाना, तो बोलते आई बोले खुद जमा कर। ये दिलावे नहीं दिला, मैं हूँ। अब्बा ने वादा किए, मैंने बोल दिया दिलाएगा तो। ये ससुर और दामाद लड़ते रहे, बाप रे बाप, अभी कैंसिल ये दिलाएगा। हाँ अच्छा, अब तुम जोश चढ़ा रहे थे ना, अभी दानिश ही दिलाएगा, दिला अपन साथ में जाके लेके आएंगे। एक तुम्हारी वाइफ को दिलाना, ये मेरी वाइफ, तुम्हारी वाइफ को दिलाना तुम, ओके। सो मम्मी ने बना के लाए है कबाब, क्यों तुम खाते तो ना कबाब के गुलगुले। अम्मी गुलगुले बनाओ ना यार, खाए थे अभी तो खा रहे हो। ये मेरी भाऊ रानी, अंकल लिए तेल, भाऊ रानी बहुत सताती है माँ को। सो गाइस हम लोग उतर गए थे नीचे रेनकोट रेनकोट पहन के, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना था। तो दानिश ने मुझे चप्पल दिला दिए थे, मुझे जो चप्पल लेना था, ये चप्पल जो मैं पहनती थी ना वो बहुत स्लिप होती थी, तो डर लगता था गिरने के चांसेस रहते थे। देखो मैं चप्पल कौन सी ली, तो मेरे को ये चप्पल पसंद थी तो मैंने ले ली। अच्छी लग रही है ना, दिखाओ कैमरे में तुम्हारी शक्ल। दानिश को बोली लेने लिए नहीं तुमने, लेकिन जमती है क्या बोलने का मुहूर्त रखे हो, नहीं कर रहे हो, चलो। सो हम लोग आ गए घर पर शॉपिंग करके, और फातिमा आई है हम लोग के लिए कुछ लेके आई है। क्या लाई फातिमा? चॉकलेट। एक ही लाई? नहीं। अरे वाह, सबको दी? ये ही बाटी क्या स्कूल में? इतना बड़ा दिल था तेरा, ये बाटी? अब्बा सही में ये बाटी खुद ही खा ली होगी सब? नहीं, मम्मी गिर गए, मम्मी उठाओ। ये क्या पहनी तूने, वैक्सी? जिनके लाई है उसने, जिनके पांच लाई है, पांच लाई, कौन पांच? एक किसकी लाई एक्स्ट्रा? बच्ची की तो खा गई। कौन? ए मेरी चॉकलेट दे, मेरी चॉकलेट दे, दो ऐसा क्या करे, दोनों को दोनों ले लिए भुक्कड़, दोनों दो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पर। सो जो मैंने नवी चीज ली हूँ, सो वो मैं बताने जा रही थी मेरे सास और ससुर को, सो उनको भी बनता है हक बताने का ये सब चीजों का, तैसे निधि को भी। मस्त मोबाइल लेके अरे बच्चे लोग, ये लोग भी चालू मोबाइल में गेम वेम सब। सो चलो बता देते हैं, अंकल कुछ चेंजेस लग रहे क्या मेरे फेस पे? अंकल बोले मैं तो दिखती की तरह घर पे, जो मैं रोज देखो। वो तुम सो जाते हम लोग आते हैं आंटी से पूछते। मेरे अब्बा का एकदम सिंपल रूल है, सुबह 8 बजे जाने का, रात को 8 बजे आके सो जाने का। 8 बजे नहीं, 10 बजे। 10 बजे नहीं, 8 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं। 8 बजे आते हैं, दोस्त घूमते टपरी गिरी करते गली में आता है। नहीं रे, चल अब्बा एकदम सीधे, कोई दोस्त देखी थी मैंने आज तक उनको? कोई दोस्त ही नहीं है, अल्लाह लंबी उम्र देंगे, कुछ नहीं। चलो आंटी से पूछ, दंडी कुछ दिख रहा है चेंजेस?
गोल्डन गोल्डन देखे लेडीज लेडीज का समझ सकते हैं, हिंदी भी समझ गए तो लेके आई भाई यार। जेंट्स ना जेंट्स लेडीज सपोर्ट वो करता ना नोटिस करता है, ये तो मेरे को लाइन मारिश है कौन लेडीज। अच्छा अच्छा सर, लेडीज को दिखते ना तो लोग बोलते हैं ये तो मेरे को लाइन मार रहा है। हां तुम गए ना, तो पैर में लेने जाओगी। अच्छा मैं जो बड़ी लेने वाली थी, फिर मन क्या छोटी ये लॉक वाली लियो वाली नहीं ली, तार वाली लॉक वाली क्या टूटेगी। क्या बोल रहे हो, अभी दिखी बोलने के बाद। सो गाइस हम लोग यही व्लॉग एंड कर रहे हैं, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।